किस एड के प्रपोजल को ठुकराया अल्लू ने? क्यों बॉलीवुड स्टार्स करते हैं ज्यादा एड? क्या अल्लू अर्जुन का फैंस के लिए मोटिव? साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा द राइज की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद अब भारतीय सिनेमा के टॉप एक्टर्स से एक बन गए हैं। एक्टर्स को एक पान मसाला कंपनी से एक विज्ञापन के लिए मोटी रकम मिली थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने बिना सोचे समझे इसे रिजेक्ट कर दिया। जब इसके पीछे की वजह को टटोला गया तो पता चला कि अल्लू अर्जुन पर्सनली तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते हैं कि उनके फैंस ये एड देखें और उस प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दें। इससे पहले कई एक्टर्स ऐसे ऐड कर चुके हैं जिसे पर वो खुद भी ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं और लोगों ने उन्हें ये भी कहा था कि आप ही लोग अपने फैंस को ऐसे करने पर मजबूर करते हो, फिर कहते हो कि गुटखा तंबाकू लोगों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। बता दें अल्लू अर्जुन बाकी स्टार से काफी अलग हैं। वो पेड़ लगाने जैसी आदतों का समर्थन करते आए हैं जिनका व्यक्ति और पर्यावरण पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अल्लू अर्जुन के करीबी का कहना है कि फिल्मों में धूम्रपान करना एक्टर के हाथ में नहीं है, हालांकि जब भी संभव हो उन्हें इस विचार के खिलाफ होने का संदेश दिया है। ये भारतीय फिल्म उद्योग के लिए नया है, एक तरफ जहां तेलुगु अभिनेताओं सहित शीर्ष नायक मोटी रकम का लेने के बाद किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में संकोच नहीं करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के लिए ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि उनके फैंस और समाज की भलाई के बारे में भी है। बता दें अजय देवगन शाहरुख खान के बाद हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक पान मसाला के एड में शामिल हुए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से ही अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि अक्षय ने अपने कई इंटरव्यू में कहा था कि गुटखा कंपनियों की उन्हें करोड़ों के ऑफर्स देती हैं लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो उसी पर अब अक्षय और ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं कि अब क्यों ये ऐसे ऐड कर रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही बता दें कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा पिछले साल रिलीज़ हुई थी जिसने ज़बरदस्त कमाई की थी, अब फैंस उनकी पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे बॉलीग्राड स्टूडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।